పోలీస్ డీపీ ఫోటో పెట్టుకున్న అపరిచితులు ఫోన్ చేసి మీకు సంబంధించిన వాళ్ళు పట్టుబడ్డారని లేదా వాళ్ళ పేరు మీద ఇల్లీగల్ డ్రగ్స్ కొరియర్ వచ్చాయని వాళ్ళు ఇంకేదో పెద్ద తప్పు పని చేశారని మిమ్మల్ని టెన్షన్లో పెట్టి బురుడీ కొట్టిస్తారు. అలాంటి ఫోన్ కాల్స్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలంగాణ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. हाँ बोलिए ना. हे मेरा बेटा, पर मेरा बाप है, बताएं सर. आपका बेटा है? आपका बेटा सर इन टाइम कहाँ पर है? किधर भेजा था आपने? अभी तो बाहर है, बताएं कहाँ पर? मुंबई. हेलो, मुंबई मुंबई. तो देखिए सर, आपको कुछ मालूम नहीं है आपके बेटे ने क्या किया है? नहीं, क्या हो गया? देखिए सर, आपका बेटा और आपके बेटे के तीन फ्रेंड लड़कों ने मिलके ना एक लड़की का रेप किया है. अच्छा? मामला सीरियस है. लड़की हॉस्पिटल में है, लड़की का डेथ होने वाला है. आपका बेटा इस समय अरेस्ट हो चुका है. अच्छा, कौन से शहर में सर? देखिए आपका कौन से शहर में? देखिए सर, मैं मुंबई पुलिस लाइन से बात कर रहा हूँ. आपका बेटा बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड लड़कों ने मुझे फंसवाया है. ये मेरे फादर का नंबर है, मेरे फादर को कॉल करें, इसीलिए सर आपको कॉल कर रहे हैं. अभी तक इसके ऊपर हमने कोई भी FIR नहीं दिया है, तो अभी सर इसका क्या करना है? इसको चलती कॉल में क्लियर करवा रहे हैं या इसके ऊपर FIR देके इसको मीडिया पे दे दें? मीडिया पे देंगे आप? हाँ, देखिए सर, अभी इसके ऊपर FIR देना या इसको क्लियर करवा रहे हैं, क्या करना है? तो अभी आपके साथ है वो? जी बिल्कुल सर, हमारी कुछ स्टडी में है, इसको साइड में रखा हुआ है. बात कराइए मेरी. बहुत ज्यादा. हाँ बिल्कुल सर, बात करवा देता हूँ. काफी ज्यादा परेशान है, यहाँ पे घबराया हुआ है. अरे पांडे, इस लड़के को इधर लेके आओ. आयुष को, ये आयुष नाम का लड़का जो साइड पे रखा है ना, इसको इधर लेके आओ. देखिए सर, अभी जो है ना आपके लड़के को बुलवा रहा हूँ, उनसे बात करें. काफी ज्यादा आपका बेटा यहाँ पे रो रहा है. हाँ बेटा इधर आओ ना, रोए मत, आप इधर आओ, ये बात करो. हेलो हेलो. हाँ बेटा बात करो, ये बात करो अपने बेटे से. क्या हो गया बेटा? इसको साइड पे कर दो. साइड पे कर दो इसको अभी. हेलो, देखिए सर, आपका लड़का जो है ना काफी ज्यादा रो रहा है यहाँ पे. नहीं तो बात तो कराओ ना मेरी, बात तो करूँ उससे. अरे सर, यहाँ पे बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, ये शोर डाल रहा है. अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो हम इसको क्या जवाब देंगे? क्योंकि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, इतना अलाउ नहीं होता है. अच्छा, देखिए सर, इसके ऊपर अगर FIR हो गया तो आपका बेटा किसी काम के, किसी जॉब के लायक नहीं रहेगा. आपके बेटे का करियर खराब हो जाएगा. आप कोर्ट कचहरी में जाओगे, 2 से 4 लाख वहाँ पे लगाओगे. हो सकता है कि IC आपके बेटे के ऊपर 5 से 6 साल का सजा कर सकता है, 12 लाख इसके ऊपर फाइन लगा सकता है. अच्छा, तो अभी सर आप कुछ सेवा कर सकते हैं तो आपके लड़के को यहाँ से छोड़ देते हैं. क्या चाह रहे हैं आप? देखिए सर, हम 4 अफिसर हैं, 3 मेरे कॉन्स्टेबल हैं जो मेरे साथ इस केस में काम कर रहे हैं. तो आपको सर मैं एक जो है ना कॉन्स्टेबल का फोन पे गूगल पे नंबर दे रहा हूँ, उसके ऊपर हमें चाय पानी खर्चा पानी भिजवा दें. आपके बच्चे को मैं यहाँ पे क्लियर करके छुड़वा देता हूँ. किसी थाने में कोई रिकॉर्ड, कोई FIR नहीं आने दूंगा. अच्छा, तो अभी सर मैं वैसे अभी कौन से थाने में हो? सर देखिए, अभी थाने में नहीं लेके गए हैं ना, अभी चौकी पे लेके खड़े हैं. कौन सी चौकी पे हो? कौन से एरिया की चौकी पे हो? ना अरे कौन से एरिया की चौकी पे हो? अरे इसका लोकेशन अभी तक ना ही हमने मीडिया को दिया, ना ही IG को दिया, आपको कैसे दे दें? अच्छा, आप अपने बच्चे को छुड़वाना चाह रहे हो या आप सवाल जवाब करेंगे? अपन कौन से, आप कौन से थाने के हो? आप अभी क्या करेंगे मुझे ये बताओ. नहीं मुझे बताओ तो सही ना, तो मेरे को वैसे भी तो क्या बोल रहे हो आप? छुड़वाना ही नहीं चाह रहे आपके बेटे की. अच्छा अच्छा, क्या करना है छुड़वाने के लिए वो बताओ. अरे आपको बोल रहा हूँ ना, खर्चा पानी चाय पानी लगा दे. क्यों अपने बेटे का करियर खराब कर रहे हो सर आप? क्या भेजना है? ये 4 अफिसर आप कितना भेजेंगे आप खुद देख ले. आप बता दो सर, आप गूगल पे फोन पे क्या यूज करते हैं? सब है मेरे पास. तो आपको मैं फोन पे नंबर दे रहा हूँ, अपना गूगल पे फोन पे ऑन करें. नहीं आप वो तो बताएं कितना भेजना है, तो मैं वैसी व्यवस्था तो देखूं.
चार ऑफिसर है ना, एक ऑफिसर का 10,000 है, आपने 40,000 देना है बस। ये 40,000 से आपके बच्चे को क्लियर कर देंगे। अरे यार 12 लाख के 40,000 समझ रहे हो आप? अरे कम से कम 4 लाख लो।